नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ रे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा, एहा सहित शुभ अभिनंदन मध्य। दर्शक बंधु, विश्व रे एमिति अनेक पक्षी अछन्ति जे माने मानव मानकर धार्मिक आस्थार प्रतीक अटन्ति। भारत रे अनेक पक्षी को भगवानकर स्वरूप भावरे ग्रहण करा जाए। एमिति एक पक्षी को भगवान शिवंकर स्वरूप भावरे पूजा करा जाए थे। एही पक्षीर नाम हैला नीलकंठ बा भदभदलिया पक्षी। नीलकंठ बा भदभदलिया पक्षी समेत एशियार अनेक स्थान रे देखिबाकु मिलिथाय। एहार वंशधर यूरोपीय रोलर मध्य एशिया एवं मोरक्को रे देखिबाकु मिलिथाय। एही पक्षी देखिबाकु बहुत ही सुंदर अटे। भारतीय धार्मिक आस्था रे नीलकंठ पक्षी रो एक मुख्य भूमिका रही आसीछि। पक्षी को नै अनेक किछि विश्वास मध्य रहिछि। तबे कुहा जाय जे भगवान शिवंकर ना अनुजाई एही पक्षी रो ना नीलकंठ अटे। समुद्र मंथन समय जेतेबेले विश्वर कलश बाहरीथिला, भगवान शिव सृष्टि को रक्षा करिबाकु एही विष को पान करिथिले। विष पान परे तांकर गळा नील पड़ी जाइथिला। सेतिपई भगवान शिव को नीलकंठ मध्य कुहा जाए। नील रंगर होइतिबारु एही पक्षी को मध्य भगवान शिवंकर स्वरूप कुहा जाए। तबे दशहरा दिन एही पक्षी को देखिबा बहुत ही शुभ होइथाय। दशहरा दिन एही पक्षी नजर आसिले धन लाभ हुए, भाग्य मध्य खुली जाए बोली कहा जाय थाय। ता पछरे भी गोटे कहानी रही। भगवान श्रीराम नीलकंठ पक्षी देखिबा परे ही रावण को बद्ध करिथिले। सेतिपई एही पक्षी को भाग्यर प्रतीक भावरे विवेचना करा जाय। एही पक्षीर लंब 25-27 सेंटीमीटर अटे। एहाकु कृषकक मानकर रक्षक बोली कहा जाय थाय। कारण फसल रे हेउथिबा पोक को खाई एही पक्षी फसल को कीटमुक्त करिथाय। नीलकंठ वर्तमान प्रायत विलुप्त हो जबार लागिगलाणी। सेतिपई वर्तमान एही पक्षी आम नजर को अधिक मात्रा रे आसुनांति। किंतु एही पक्षी रो आम धार्मिक शास्त्र रे आम धर्म शास्त्र रे अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि बा महत्व रहिछि। धन्यवाद। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।